आईडीबीआई बैंक आपका एटीएम पिन सफलतापूर्वक बन चुका है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आईडीबीआई बैंक के एटीएम का पिन कैसे जनरेट किया जाता है, वो भी ऑनलाइन, वो भी आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, ये काम आप घर बैठे भी कर सकते हैं। तो आपको आईडीबीआई बैंक के एटीएम या डेबिट कार्ड को पिन जनरेट करने के लिए करना क्या होगा, सबसे पहले आप जो है जो भी आईडीबीआई बैंक में आपका खाता रजिस्टर है यानी कि नंबर लिंक है आपके अकाउंट से, उसी नंबर से आपको ये नंबर से आपको कॉल लगाना है। तो चलिए हम यहाँ पर कॉल लगा देते हैं, और कॉल लगाने के बाद जिस तरीके से आपको कहा जाएगा फॉलो करने के लिए, आप उसी तरीके से फॉलो करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे कॉल वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। आईडीबीआई बैंक फोन बैंकिंग में आपका स्वागत है। डेबिट कार्ड या अन्य डिजिटल चैनल ब्लॉक करने के लिए एक दबाएं, एटीएम पिन या टी पिन बनाने तथा आईवीआर की भाषा रीसेट करने के लिए दो दबाएं, एटीएम पिन बनाने के लिए एक दबाएं। कृपया आपका कस्टमर आईडी एंटर करें। कृपया अपना 16 अंकों का डेबिट कार्ड नंबर दर्ज कीजिए। ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा गया है, कृपया एसएमएस द्वारा प्राप्त ओटीपी दर्ज करें। कृपया अपनी पसंद के 4 अंकों का एटीएम पिन दर्ज करें। पुष्टि के लिए कृपया एटीएम पिन दोबारा दर्ज करें। आपका एटीएम पिन सफलतापूर्वक बन चुका है। एक्टिवेट करने के लिए कृपया अपने डेबिट कार्ड का प्रयोग नए पिन के साथ किसी भी एटीएम में करें। आईडीबीआई बैंक से संपर्क करने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों आप इसी तरीके से पिन बना सकते हैं। सबसे पहले आपको कस्टमर आईडी यहां पे इंटर करना है जो कि आपको पासबुक में मिल जाएगा। उसके बाद यहां पे आपको डेबिट कार्ड का नंबर इंटर करना है जो कि आपको पासबुक में मिल जाएगा। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद अपने मन से आप 4 अंक का कोई भी पिन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, फिर कंफर्मेशन के लिए वही पिन आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा। जिस तरीके से इसमें बताया गया है तो मेरा यहाँ पे सक्सेसफुल पिन जनरेट हो चुका है। अगर इस वीडियो की रिकॉर्डिंग अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका हम जरूर उत्तर देंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी एक और नए शानदार वीडियो में। तो दोस्तों एक मेरा न्यू चैनल है, उसे भी आप सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी एक और नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। न्यू चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहां पे मेरा फोटो का लोगो भी आ रहा होगा, तो यहां पे चैनल को क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं।